यदि आपकी राशि है कन्या राशि और आप है कन्या राशि की महिला या फिर कुंवारी कन्या, तो ऐसे में कल यानी कि हरितालिका तीज पर आपको क्या करना है, कैसे करना है भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न, कैसे करनी है उनकी पूजा और साथ ही साथ क्या खास करने हैं उपाय सुखी जीवन पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कन्या राशि की जो महिलाएं या कुंवारी कन्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। कल आपको हरितालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। अपने राशि स्वामी के रंग के अनुसार आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने पति की अच्छी सेहत के लिए और चिरंजीवी जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए और अच्छे सेहत के लिए माँ पार्वती के लिए चांदी की प्लेट में या पीतल की प्लेट में सूखे मेवे भर करके और उन्हें भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष वंशिषण उद्यौ शमवर तथा पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम। इस मंत्र को बोलते हुए आप सूखे मेवे समर्पित करें। सिंदूर और काजल भी माँ पार्वती को समर्पित करें। सिंदूर और काजल ये माता की श्रृंगार सामग्री में ही आता है। जो महिलाएं माता को सिंदूर और काजल समर्पित करती हैं, निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, अर्थात उनके जीते जी उनके पति का कभी अहित नहीं होता है। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि आपको मन के अनुरूप जीवन साथी मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव की विधिवत आराधना करें, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, गाय के गोबर की गौरी बना करके उसकी विधिवत आप आराधना करें और ओम जीवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पीली सरसों पानी में डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, विवाह में आ रही अड़चन निश्चित रूप से समाप्त होगी।